बहुत ही ज्यादा गुरु नाराज आप नजर आया, एक वो भी आई है एडीजे की तरफ से, सरकार की तरफ से, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ ये सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस महामारी में जश्न मना रही है और हमारे जो लोग हैं उन लोगों पर झूठा आरोप लगा रही है। ये जिस समय ट्रंप साहब आए उस समय कोरोना का शुरुआत हुआ था, उसी समय इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत थी, लेकिन उस समय इनकी निगाह उस तरफ नहीं गई। जब कोरोना फैल गया उसके बाद ये सभी घरों में दिया जलवा रहे हैं, तो थाली पिटवा रहे हैं, तो अब वर्चुअल रैली कर रहे हैं। इस तरह से देखिए तो ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों एनडीए के जो लोग हैं, ये लोग कहीं ना कहीं हमारे गरीब दिहाड़ी मजदूरों के साथ मजाक कर रहे हैं। एक तरफ हमारे लोग मर रहे हैं, भूखों परेशान हैं, आने के लिए उनको व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था नहीं हुआ। जब जैन एन के एन प्रकार लोग आ भी गए तो उनके ऊपर में इनके पुलिस मुख्यालय के द्वारा चिट्ठी जारी किया जा रहा है, जो ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं, किसी भी समय अपराध कर सकते हैं, इसलिए इन पर निगरानी रखा जाए। हमें नहीं लगता कि जिस तरह की नीति और जिस तरह का नियत इस सरकार का है उससे ये साफ परिलक्षित हो रहा है, जो ये लोग यहाँ के जो प्रवासी मजदूर हैं इनको सही नज़रिए से देख नहीं रहा। एक तो लाना नहीं चाह रहे थे, इन किन प्रकारें यदि ये आ भी गए तो इस तरह का लांछना लगा रहे हैं। तो हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे नेता, सब लोग ने निर्णय लिया है कि इसका हम लोग प्रतिकार करेंगे, इसका विरोध करेंगे और गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और इसका विरोध करने का हम लोगों ने निश्चय किया है। कल हम लोग जिस समय ये लोग वर्चुअल रैली करते रहेंगे उसी समय 11 बजे दिन में हम लोग थाली पीट करके, कटोरा पीट करके अपने अपने घर के सामने प्रतिकार करेंगे और सारे दिहाड़ी मजदूर, सारे प्रवासी मजदूर इस चीज़ का प्रतिकार करेंगे और सरकार को ये बताएंगे, जो हम आपके बहकावे में आने वाले नहीं हैं, थाली पीट करके आपका इस वर्चुअल रैली का हम विरोध करते हैं। सर, अभी आपको जाले से विधायक जीवेश मिश्रा, उन्होंने कहा है कि चुनावी रंग चढ़ गया है और कल ये जो आप लोग थाली पीट रहे हैं, चुनाव में आने वाले समय में आप लोग छाती पीटेंगे आरजेडी वाले, ये तो आने वाला समय ही बताएगा जो उनकी क्या गति होगी। दोनों मिल करके लड़ रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस इतना अंदर से हिल गया है जो ये लोग सही डिसीजन तक नहीं ले पा रहे हैं। हम तो उनसे मांग करते हैं, जो जीवेश जी, यदि आपकी आवाज़ सरकार तक जा रही हो, आपकी बातों को सरकार सुन रही हो, तो आपके माध्यम से हम आपके सरकार को बताना चाहते हैं, जो प्रवासी मजदूरों के जीवन यापन के लिए आपकी क्या योजना है सार्वजनिक करिए। केवल डपुर संखी बातें या थोथी दलील देने से नहीं होता, प्रवासी मजदूर भूखे हैं, क्वारंटाइन सेंटर में भी उनको भरपेट भोजन नहीं मिला, सही भोजन नहीं मिला, आप लाने के इच्छुक भी नहीं थे, जो वहीं मर जाए वहीं खप जाए, और जो आ भी गए हैं उनके प्रति आपका कोई सही व्यवहार नहीं है। वो मजदूर कहाँ के हैं? इसी गांव, इसी कस्बे के हैं और आने वाले चुनाव में आपको सबक सिखाएंगे ये मजदूर लोग। आप ये भूल जाइए, जो ये वे मजदूर कोई और नहीं है, इसी बिहार के बेटा हैं और इसी गांव गवई के परिवार के बच्चे हैं। तो इसको मान लिया जाए कि बिहार में जो अब राजनीति शुरुआत शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, उसमें अब कोरोना ही एक मुद्दा रहेगा जिसको लेकर के एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप किया जाएगा। ये कोरोना मुद्दा ही नहीं रहेगा बल्कि सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा लोगों को गुमराह करना, सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा जो लोग का को गलत दिशा में ले जाने का जो ये एनडीए के लोग कोशिश कर रहे हैं, ये सारे मुद्दे जनता के सामने हैं और आने वाले कल में जो चुनाव आने वाला है उसमें एनडीए को उखाड़ फेंकेगा। और ये जान लेना चाहिए आदरणीय अमित शाह जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और बिहार के मुख्यमंत्री जी को,
सर क्या लगता है कि आप बता रहे थे भाजपा जदयू पे पट नहीं रही है और दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, फिर से अगर जदयू आपको कहती है कि हम लड़ेंगे साथ में तो क्यों उनको आप स्वीकार करेंगे? देखिए, पट नहीं रही है कैसे समझे, दोनों का तो बोली एक है, दोनों का तो चाल एक है और दोनों का गरीबों के प्रति नज़रिया एक है और वही नज़रिया का परिचायक है वो एडीजी का चिट्ठी, जिससे ये साफ परिलक्षित होता है जो दोनों की मिली भगत से इस तरह का घृणित चिट्ठी लिखा गया है, इसका हम लोग निंदा करते हैं। सर एक बात बताइए कि कल आपके नेता उन्होंने किसी करके इस बात को रखा था, आज आपको इस बात की कभी किसी करना पड़ा, क्या ऐसी बातें हो गई कि आज किसी करना पड़ा इस पास? हमारे नेता ने राज्य स्तर पर पीसी किया और हम लोग जिला स्तर पर पीसी कर रहे हैं और कल जो होने वाला कार्यक्रम है उससे आप लोगों के माध्यम से अपने गांव गाँव के लोगों को बताना चाहते हैं जो इसको प्रतिकार किस रूप में करना है और प्रतिकार यदि नहीं हम लोग करते हैं तो आने वाले भविष्य में इसी तरह से ये लोग हमको ठगते रहेंगे, इसीलिए दोबारा पीसी करने का जरूरत पड़ा। मतलब उसी मार्ग पर चल पा जिस पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि थाली पीटिए, वही आप लोग भी अब थाली पीटने जा रहे हैं? नहीं, उसी मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, वो थाली पिटवा रहे थे जश्न के रूप में और मैं थाली पिटवा रहा हूँ प्रतिकार के रूप में।